इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री, थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ी सी वैल्यू नोट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी जा रही है, ई की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 2×10^5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क की वैल्यू है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, ये एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आपको क्यू निकालना है, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ डायपोल लेंथ दी जा रही है, डायपोल लेंथ कितनी है, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ होती है 2L। गलतियाँ यही हो जाती हैं कि डायपोल लेंथ को लिखने में, तो यहाँ पे जो डायपोल लेंथ है वो कितनी है, 2L है, 2L की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गया 2×10^-2 मीटर हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है टॉर्क का, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आता है, ठीक है। टाउ की वैल्यू आप टाउ लिख दोगे और यहाँ पे पी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 2L आ जाएगा, इंटू ई साइन थीटा आ जाएगा, तो टाउ की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू निकालनी है, 2L की वैल्यू कितनी है 2×10^-2, ई की वैल्यू कितनी दी जा रही है, ई की वैल्यू है 2×10^-5, साइन थीटा है साइन 30, तो यहाँ से देखिए 4 इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये 2 2 हो गया 4 और ये 2 इसमें से कम पड़ जाएंगे, ये 5 था प्लस का, तो 10^-3 आ गया, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 से कैंसिल कर लेंगे इसको, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, ये प्लस में बचा था, तो Q की वैल्यू आ गई 2×10^-3, ये इधर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो गया इतने कूलाम, तो मिली कूलाम इसको लिखा जा सकता है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2 मिली, और ये थोड़ा सी बड़ा बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिली कूलाम, तो आंसर आपको मैच कर जाएगा, आंसर हो जाएगा 3।